धनतेरस भी आज। धनतेरस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बाकी दिवाली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली के दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के बाद वनवास काट के अयोध्या वापस आए। बुराई की अच्छाई पे जीत हुई। लोगों ने दिए जला के भगवान रामचंद्र का स्वागत किया। हैप्पी दिवाली। मैसेज देंगे जनता को, ऑडियंस को, देख रही है आपको, जो आपके भक्त हैं, आपके भक्तों को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या कहूँ, सबको यही कहूँगी, माता पिता की का दिल ना कभी दुखाएं, उनको खुश रखें, और अगर घर वाली माँ खुश है तो मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। और दूसरा, चैरिटी बिगिंस एट होम, परिवार को पहले खुश रखें फिर समाज की सेवा करें। फैमिली खुश है तो फिर, अगर घर में क्लेश है तो बाहर खुश करने का इतना लाभ नहीं है। और यही कहना चाहूँगी, बाकी मेरी तरफ से सबको आई लव यू। जय करार राधा मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। हर हृदय में हरी है, क्योंकि क्योंकि प्रेम में ही प्रभु हैं। जो प्रेम करते हैं वही भगवान को पा सकते हैं। एक चुन्नी दे, जो मैं गुरबाणी का शब्द बोलना चाहती हूँ वो मैं चुन्नी लेके बोल सकती हूँ, बिना चुन्नी के मैं वो शब्द नहीं बोल सकती। ओ निहार, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जपजी साहब गुरु नानक साहब के दरबार से शुरू हुई, तो फिर उन्हीं की कृपा से मैं एक महापुरुष 1008 महंत रामादीन दास जी के पास गई। मैं हमेशा आईना देखती थी, मैं सोचती थी कि मैं कौन हूँ, मैं किस मकसद से आई हूँ। मैं सोचती थी कि मुझे जो भी पहचानेगा मैं सोचूंगी वही मेरा गुरु है। तो उन्होंने कहा, 130 वर्ष के थे मेरे पापा, मुझे उनके साथ लेके गए। मुझे बहुत विरह थी, बहुत विराग था, प्रभु मिलन की चाह थी। तो मैं हमेशा रोती रहती थी। जब गई तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर विरह है, बस उन्होंने माता का मंत्र दिया, गुरु हमें राह दिखाते हैं, चलना हमें है, चाहे रास्ते में कांटे हों, चाहे कैसे भी रास्ते हों, वो फैसला हमारा है, हम चल सकते हैं कि नहीं। गुरु गूंगे गुरु बांवरे, गुरु के रहिए दास, जे गुरु भेजे नरक को तो स्वर्ग की रही आस। गुरु सच्चे गुरु पायस जो होते हैं, पूर्ण संत कभी गलत मार्ग नहीं देते। तो रास्ते पे हमें चलना, गुरु टटोलते हैं, देखते हैं कि पहले ही देखते हैं कि ये बंदा मेरे लायक है कि नहीं। तो हमें भ्रम में नहीं रहना, अगर चलना है तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो, लाइफ में कभी हार नहीं होती। ये करा राधा देवी बाजी दा। और इसके बाद फिर मैंने 9 दिन घोर तपस्या की, उन्हीं की कृपा से। जब बाहर निकले तो उनकी कृपा से फिर मैंने सत्संग किया और चर्चित तो हो गई। उसके बाद फिर वहाँ से लेके यहाँ तक बॉम्बे नगरी पहुँची। जय माता की, जय करा कृपा प्रसन्न मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। कहा है, मैं प्रेम के बस में हूँ, मैं भक्त वसल हूँ, ऐसे ही गुरबाणी कहती है।
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिनके हृदय में प्रेम है वही प्रभु के नज़दीक हो सकते हैं। जिनके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, सबके लिए प्रेम नहीं है, वो प्रभु के नज़दीक कभी नहीं हो सकते। हर में हरि है, हर में भगवान है। देखिए, मैं राधे माँ से मिलने आया हूँ। पहले भी हमने नवरात्रि की थी, तभी मैं राधे माँ के चरणों में आया था। उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा कार्य हुआ। आज मैंने कुछ समय पहले तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्घाटन किया है, तो आज मैं सोचा कि भाई, वो भी मेरे मम्मी ने ऐसा ही कुछ आदेश दिया कि भाई राधा माँ को मिल गया, तो आज हम लोग ने अचानक डिसाइड किया कि माँ से मिलने जाना है। और मैंने उनको जो एक फ़ोटो फ्रेम दिया है कृष्ण भगवान का गैया माँ के साथ, तो माँ ने मुझे एक सवाल पूछा कि कितनी गैया है। मैं बोला, माँ आज मेरे पास गैया नहीं है, मगर आपके आशीर्वाद से मैं ऐसी गायों का सेवा करना चाहता हूँ जो रास्ते पे छोड़े जाते हैं, जो उम्र के साथ उनका कोई पालन नहीं करता है, तो ऐसी गायों की मैं सेवा करना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ कि सदैव मेरे पे आपका बना रहे और मैं कुछ अच्छे काम कर सकूँ। और मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करता हूँ, आदिवासी के लिए भी काम करता हूँ, और समाज में एक महिला को आगे लाने का और उनको एक अच्छा स्थान देने का समाज में उसका कोशिश करता हूँ। तो मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ कि आप हमेशा मेरे सिर पर हाथ ऐसे ही बनाए रखती हैं। साक्षात मुझे करने का अवसर मिला। बहुत सालों से मैं मैया का नाम सुन रहा था, और कुछ दिनों पहले मैं हमारे एक मित्र हैं संजीव जी, उनके माध्यम से मुझे आज यहाँ पे अवसर मिला है और मैं माता जी के दर्शन करने आज यहाँ पे आया हूँ। और मैं सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।